अरे वो प्रस्तुत करने वाले और ये डायरेक्टर ये भी बनाए जो निष्ठा जी, ये भी गुलाबी दोनों पहने हैं, मैं तो पहनी हूँ, तो मेरा काम है रोज का पहनना। आपका जो कि मतलब पहली मुलाकात है मीडिया से, तो बताइए मतलब आपको गुलाबी गैंग क्यों कवर ही कर रहे हैं? मैं तो पहली बार नहीं मीडिया से, नहीं मेरा हमसे, हाँ ये बोलो मीडिया से मैं अगर होती यहाँ पर, हाँ ये कहो कि आज की डेट में आपसे, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा, जो कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि पूरे बम्बई में हम छा जाएंगे। पूरे बम्बई में नहीं मैम, हम चाहेंगे कि आप पूरे देश में छा जाए, पूरे देश में नहीं, पूरे नहीं वो ऐसे में छाई हूँ वो ऑलरेडी छा चुकी है वो तो हर जगह। मैम यू नो जी, आपको काम के बारे में क्या पूछना है जी? अच्छा इनका सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपने अपने गुट को गुलाबी गैंग नाम क्यों दिया? देखिए हम अपने गुट को गुलाबी गैंग इसलिए नाम रखा है कि पहले नहीं था गुलाबी, पहले तो हम काम करते थे और जब हमारे साथ 10,000 औरतें हो गई तो हम कहीं जाते थे तो हम भटक जाते थे, एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे, तो हमने एक ड्रेस चुना। ड्रेस में क्या आया कि हम कौन सा ड्रेस लें, तो जब हम साड़ी खरीदने गए तो हमको पहला ये नीला नीला दिखा, तो हमने कहा ये तो मायावती का ड्रेस है। फिर हम पीले में आ गए तो पीले में गायत्री परिवार वालों को हो गया। इसके बाद में तमाम ऐसे कलर मिले जो पार्टी से अटैच थे, तो गुलाबी नहीं किसी पहना, वो बस हम उसी को ले आए और जैसे पहने और हम अपने यहाँ गए नारा लगाते लगाते एक सड़क का मुद्दा लेके, तो उस दिना हम डीएम को पैदल चला दिया। उन्होंने पूछा ये क्या है ये क्या, अरे हम कहा आप कौन है, क्या पूछ रहे हो इस तरह की बात है, जैसे कोई जानवर हो, तो हम औरतें हैं साड़ी पहने और बताओ क्या है। उन्होंने कहा अच्छा तो इस तरह चिल्ला रही हो, मैंने कहा जनता का हक नहीं मिलेगा, चिल्लाएगी जनता। तो उस दिना फिर हमने उनका रोड जाम कर लिया और एक घेर के बैठ गए, फिर वो उनसे हमसे माफ़ी मांगा और हम काम करवाएंगे। उसी दिन से हमारा नाम पड़ गया गुलाबी गैंग और वो गैंग इतना फेमस हुआ कि कई देशन गई, 2008 में नॉर्वे गई, 2012 फ्रांस, 2008 में फ्रांस गई, फिर नॉर्वे गई, 12-13 में दो बार हवाई, इटली गई, स्वीडन गई, कई जगह हम हुआ है, हमारी किताबें छपी, कई जगह हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनी हैं और निष्ठा जी हमारे चल के बहुत मेहनत किया, इन्होंने रियल में ऐसी ऐसी कहानी देखा कि इनके पहले दो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन गई थी, इनका भरोसा नहीं रहा कि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म अच्छी बनेगी, मैंने कहा ये रोज़ बना सकती हो, ये रोज़ की अलग अलग कहानी है, हमारी वही कहानी नहीं कि एक हीरो रोज़ मरता है और रोज़ एक मरेगा और वही जी आएगा, हमारी तो रोज़ की रियल की कहानी है। आज ये राजरानी की घटना दोबारा हम थोड़ी दिखा सकेंगे, कोई दूसरी है, तो ये तो हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो अगर कोई भी बनाना चाहे बहुत बन सकती है। ये भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा और आपके मतलब जो औरतें आपके पास आती होंगी तो बहुत सारी पीड़ा लेके आती होंगी। अरे वो एक औरत पीड़ित आती है और हम उनसे कहते हैं कि 10 औरतों को जाके जोड़ो तभी तुम्हारा न्याय मिलेगा। पर ये औरतों में मोस्टली मतलब ज़्यादातर किस चीज़ की पीड़ा आपके पास लेके आती है? अरे अब औरतों के साथ कितनी बड़ी घटनाएँ होती है, देखिए एक पत्नी एक गाड़ी के पहिए होते हैं, उनका दोनों का हक बराबर होता है, लेकिन आज की डेट में पुरुष औरत को जूती समझता है और वो काफ़ी अपना जैसे वो घर में सताई जा रही हैं, वो पुलिस के पास गई तो उल्टा वो औरतों को ही पुलिस डांट फटकार के भगाती है, इनकी रवैया इतनी बुरी हो चुकी है, तो इसलिए वो औरतें हमारे पास आ जाती हैं कि हमें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा, कोर्ट कचहरी से हमारा भरोसा उठ रहा है, तो बस हम कोर्ट का भरोसा ना लेके अपने कोर्ट बांस कोर्ट का ज़्यादातर हमें भरोसा हो चुका है कि हम बांस कोर्ट से उन पर न्याय दिलवाते हैं। हाँ हाँ मैं MLA का चुनाव लड़ चुकी हूँ, थोड़ी वोटों से हार गई हूँ, फिर से मुझे टिकट लोकसभा का मिलने वाला है कांग्रेस पार्टी से जी। और साथ ही साथ गुलाबी जो डॉक्यूमेंट्री है गुलाबी गैंग का वो रिलीज हुआ, एक फिल्म भी रिलीज हो रही है, लेकिन आप उस फिल्म को लेकर ज्यादा खुश नहीं है, हमने आपका एक कोट पढ़ा। नहीं नहीं नहीं, कौन कहता कि मैं खुश नहीं हूँ, कौन गुलाब गैंग वाली? हाँ, जो माधुरी दीक्षित वाली, उन्होंने क्या बनाया है? वो कभी मुझको देखा है? मेरे पास कभी गई है? किसी महिला की घटना लेके आई है, हम क्यों खुश हो? हमसे उन्होंने परमिशन नहीं लिया, बिना परमिशन के वो हमारी फिल्म बना रही है। और साथ ही साथ आपने ये भी कहा था कि आप उनको कोर्ट तक लेके जाएंगी फिल्म? नहीं नहीं, कोर्ट हो ही गया है, उनके ऊपर कोर्ट कर दिया है, हाई कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमा हो गया, उनको पूरी पार्टी बना दिया है,
कि हमसे परमिशन लें, अगर परमिशन नहीं लेते वो फिल्म नहीं रिलीज होने देंगे। साथ ही साथ मैम आपसे पूछना चाहेंगे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना बिल्कुल आसान नहीं होता, ये हमारे समझ के तो बाहर है, हार्ड कोर रिसर्च की ज़रूरत है, तो आपको कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ी रिसर्च के दौरान, जब आपने देखा सब पीड़ित महिलाएं क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है?